हेलो, हम लोग को यहाँ पे क्या पता करना है। ए प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 15। अगर ये है तो क्या वैल्यू होगी ए एंड बी की। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं। इसको ए प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 15। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इस टर्म से क्या कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करें, दोनों तरफ ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। तो 1 1 प्लस बी प्लस बी प्लस 1 1 ऐड कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ए 1 प्लस बी, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ इसमें से भी कॉमन हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 प्लस बी। 1 प्लस बी अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस, इसका कॉमन क्या रहेगा, 1। ए प्लस 1 इज इक्वल टू 16। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है तो, और दो अननोन है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमको फैक्टराइज करने पे इसके फैक्टर्स हम पता कर लें कि कितने कितने हैं। तो एक फैक्टर आएगा 1:16, एक फैक्टर आएगा 8:2, और एक फैक्टर आएगा 4:4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस बी एंड ए प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी एंड ए प्लस 1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी और ए प्लस 1। कितनी क्वेश्चंस बन गई, 1 2 3, कितने केसेस बन गए, 3 केसेस। अब हम हर एक को क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर कंपेयर कर लेंगे। सपोज दैट दिस वैल्यू इज ई, तो अगर हमने कंपेयर कर लिया तो हमको फर्स्ट केस 1 को, अगर हम सॉल्व करें केस 1 को, तो 1 प्लस बी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 1। तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और a प्लस 1 हमें क्या नज़र आ रहा है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी निकल आई, बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 15। इसी का वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, चाहे हम ए इज इक्वल टू 0 तो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, 15। तो ये दो वैल्यूज हमको केस 1 से मिल रही है। केस 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, केस 2 को हम देख लेते हैं। केस 2 क्या है, 8 प्लस 2, यहाँ पे भी हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, बी प्लस 1 हम क्या लिख सकते हैं, 8। तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 7। एंड सेम एज इट इज, ए प्लस 1 हमें क्या नज़र आएगा, ए प्लस 1 कितना नज़र आ रहा है, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लोग को एक इसकी भी वैल्यू मिल गई, सेम एज इट इज़। अगर ये फैक्टर 8:2 है तो 2:8 भी हो सकता है। तो यानी कि ए इज इक्वल टू 1 अगर है तो ए इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, इसी का वाइस वर्सा। ठीक है, अब केस 3 को अगर हम लोग सॉल्व करें, केस 3 हमारा क्या है, केस 3 अब हम लोग 1 प्लस बी को क्या रख सकते हैं, 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4। और तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 3। अब हम अगला टर्म देखें, ए प्लस 1,
ए प्लस वन कितना नज़र आ रहा है, फोर, तो हमने इसको रखा फोर। अब फोर रखेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू थ्री।